सो गाइज, आज हम समझने वाले हैं गुरुग्राम का मास्टर प्लान 2031 का, जो कि हम ये हमारा सेशंस है जो लर्निंग का रहेगा, जो हम अपनी टीम को प्रॉपर सेशन यहाँ पे लर्निंग कराते हैं। तो ये हमारा सेशन नंबर 1 है, पहला सेशन है ये। हम ऐसे ही रेगुलर सेशन हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम रियल स्टेट के बारे में, गुड़गांव के बारे में प्रॉपर तरीके से लर्निंग वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे गुरुग्राम के मास्टर प्लान से। तो समझते हैं आज के मास्टर प्लान को इस एलईडी स्क्रीन। सो गाइज, आज हम बात करेंगे, ये है गुरुग्राम का मास्टर प्लान जो कि डेवलपमेंट होगा 2031 तक। इसलिए ये जो मैप है ये बनाया गया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा 7/6/2012 को, ठीक है जी। और इसके अंदर जितने भी ये मार्क्स जो देख रहे हैं आप, इनका हम जिक्र करेंगे आगे, इनको काफी जूम करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी से दिखे। और ये जितना भी जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये डेवलपमेंट होगा 2031 तक, ठीक है जी। टाइम टू टाइम इसमें काफी चीजें हैं वो डेवलपमेंट होती रहेंगी, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी एक साथ नहीं होता, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। अभी हम एक बार थोड़ा सा बात करते हैं गुरुग्राम के बारे में। तो ये जो गुड़गांव का मास्टर प्लान है, बेसिकली मानेसर का एरिया यहाँ से इसके अलावा वो कर देता हूँ, तो टोटल जो गुड़गांव का जो क्षेत्रफल आता है वो 732 किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। और गुड़गांव के अंदर टोटल जो गांव आते हैं वो 246 आते हैं, और गुड़गांव के अंदर जो टोटल सेक्टर है वो 115 सेक्टर है टोटल। अब हम इसको जूम करते हैं और इसकी रोड की कनेक्टिविटी, इसके सेक्टर्स वगैरह वो सभी जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस गुड़गांव के बीचों बीच एक सेंटर में ना एक रोड है जिसके ऊपर गुड़गांव पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया गया था, वो है अपना नेशनल हाईवे NH8, जिसको हम दिल्ली जयपुर हाईवे बोलते हैं। और ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, ये धौला कुआं दिल्ली से शुरू होता है और जयपुर तक की इसकी लेंथ बढ़ती है। अगर मैं इसकी गुड़गांव गुड़गांव के अंदर लेंथ देखूं, तो धौला कुआं से लेके मानेसर तक का, ये मानेसर तक का एरिया है, यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ 39 किलोमीटर के अराउंड इसकी लेंथ पड़ती है। और जब ये रोड बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम गुड़गांव की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही ना के बराबर थी। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसमें जो रोड था, सबसे पहले वो नेशनल हाईवे NH8 था, जो बिल्कुल सेंटर से जाता था गुड़गांव के अंदर। बेसिकली जब गुड़गांव की शुरुआत हुई थी उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक गांव हुआ करता था गुड़गांव, जो कि पड़ता है आपका बस स्टैंड के पास। यहाँ पे ये बस स्टैंड है 12A के अंदर, ठीक है, 12A फिर 12। तो जो सबसे पहले जो एरिया बनाया गया था गुड़गांव में, वो बनाया गया था सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 23A तक। ये पूरा का पूरा जितने भी सेक्टर्स हैं और गांव हैं, सारे के सारे इसी के अंदर आ गए थे। और यही फेस 1 इसको हम बोलते हैं, जो सबसे पहले बनाया गया था। ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये एयरफोर्स का एरिया आता है। यहाँ वेपन्स वगैरह जो भी हैं, जो मिलिट्री के अंदर यूज किए जाते हैं, वो सारा का सारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे दबा के रखा हुआ है। तो इसलिए ये जो एरिया है ये खाली एरिया है दूर दूर तक, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं की जा सकती, ये हमेशा ऐसे ही खाली रहेगा। इस वन है गुरुग्राम के डेवलपमेंट का सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 23A तक। और अगर हम यहाँ पे इस एरिया के अंदर कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं, तो कमर्शियल वेल जो आप ये येलो में देख रहे हैं, जो येलो वाला जो ये पार्ट है इस टाइप का, ये सारा आपका कमर्शियल बेल्ट आती है। ये यहाँ यहाँ पे कमर्शियल है, हाँ ब्लू कलर में, ये यहाँ पे कमर्शियल है, यहाँ पे कमर्शियल है, यहाँ पे कमर्शियल है, यहाँ पे बस स्टैंड आ जाता है, ये बस स्टैंड का एरिया है। ये जैसे सेक्टर 4, 5, 7, 9, 10, जो आपको ये येलो कलर जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। जितने भी आप ये येलो कलर देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। ये यहाँ पे ये जो पार्ट है छोटा सा, ये 300 मीटर तक का ये एरिया आता है, ये आपका रहेगा कमर्शियल, ठीक है। तो ये 23, ये फेस 1 आता है। फेस 1 के अंदर आपका औद्योगिक, जिसको हम मारुति उद्योग भी बोलते हैं, यहीं पे मारुति का प्लांट है सेक्टर 18 के अंदर। ये सारा का सारा औद्योगिक सेक्टर्स आता है। यहाँ पे ये ढूंढा एरिया गांव पड़ता है, फिर यहाँ पे सैरोल बन पड़ता है, फिर यहाँ पे ये गांव है, ये है सुखराली, ठीक है। तो यहाँ पे ये औद्योगिक सेक्टर इस साइड सबसे मेजर, यहीं से मेन शुरुआत हुई थी गुरुग्राम की। 1970 के अंदर मारुति का प्लांट लगा था गुड़गांव के अंदर पहला, सबसे पहले जब गुड़गांव और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी थी वो इस रोड से होती थी, ढूंढाइड़ा से, ठीक है।
तो ईस्ट से रोड के इधर ये उद्योगिक सेक्टर हो गया, इधर आपका ये पालम विहार का जो एरिया है ये आ गया। ये सेक्टर्स पालम विहार में बेसिकली सबसे जो अच्छे सेक्टर्स हैं वो 23A, 23 और 22, 21, ये से थोड़े अच्छे सेक्टर आते हैं इसके अंदर पालम विहार के। इसी में लो राइज के अच्छे टाउनशिप हैं, गेटेड भी हैं, हाई राइज नहीं है, लेकिन यहाँ सारी की सारी लो राइज की है, बिल्डर फ्लोर है G+4 के। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा का सारा फेज वन के अंदर, जिसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग थी गुड़गांव की कि 1970-75 के अराउंड है ना, यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुई थी इस एरिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी के बगल में यहाँ माता शीतला मंदिर आता है इस रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर है माता शीतला माता मंदिर। फेज टू की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सेक्टर 24 से लेके सेक्टर 57 तक फेज टू बनाया गया था, जहाँ पे दोबारा से सेक्टर डेवलपमेंट करने का प्लान किया गया। तो वहाँ सेक्टर 24 से लेके सेक्टर 57 तक आप जो भी फेज देखते जाएंगे, हर सेक्टर के रोड के अंदर आपको डिफरेंट मिलता मिले नजर मिलेगा आपको। ठीक है, और रोड और आपके जो डेवलपमेंट प्लान है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे हमने फेज वन के अंदर देखा था, फेज वन के अंदर रोड है वो काफी भीड़े हैं, 18 मीटर 12 मीटर के रोड आपको देखने को मिलेंगे इन एरिया के अंदर। ठीक है, जो इंटरनल है मोस्टली 12 आपको मिलेगा, 18 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई रेयर होगा जो रोड होगा वो 30 मीटर का होगा, इससे ज्यादा चौड़े नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट था आप देखोगे कमर्शियल थोड़ा सा कम है, ज्यादातर रेजिडेंशियल सेक्टर्स बनाए गए थे उसके लिए, क्योंकि औद्योगिक सेक्टर को यहाँ पे सबसे पहले डेवलप किया गया था, तो उसकी तरफ प्लानिंग में इतना नहीं था कि भाई हाँ कमर्शियल भी साथ के साथ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, जिसकी वजह से आज समस्याएं है ना जो गुरुग्राम को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि प्लानिंग से नहीं डेवलपमेंट किए गए थे। उसके बाद जो फेज टू आया था, जैसे कि ये जो सेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे, इन सेक्टरों की आपको अलग ही पहचान मिलेगी। ठीक है, हर सेक्टर के चारों तरफ मेजर रोड है। ठीक है, और आपको एक अलग कमर्शियल के अंदर डाल दिया गया, यहाँ पे साइबर सिटी डेवलपमेंट कर दी गई इस एरिया के अंदर। सेक्टर 29 फिलहाल सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है गुड़गांव का। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे पे 88 सेक्टर है, वो सबसे बड़ा सेक्टर बनाया गया। फिर सेक्टर दो जोड़े गए हैं, सेक्टर 74A, 75A, ये कमर्शियल सेक्टर, सेक्टर 114, 115 ये कमर्शियल ऐसे बनाए गए थे। तो फेज टू के अंदर रोड्स का भी काफी ध्यान रखा गया, जिसके अंदर आपको गोल्ड कोस्ट रोड की डेवलपमेंट की गई थी। ये पूरा का पूरा गोल्ड कोस्ट रोड है, यहाँ पे ये हिट करता है एक्सटेंशन रोड को, एक्सटेंशन रोड पे हिट करता है सेक्टर 58 के बिल्कुल अपोजिट में, यहाँ एक्सटेंशन रोड के ऊपर गोल्ड कोस्ट रोड। और इसकी और यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ पे है सिकंदरपुर, सिकंदरपुर से शुरू होता है गोल्ड कोस्ट रोड, और जो कि गोल्ड और एक्सटेंशन रोड पे हिट होता है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 9.61 किलोमीटर की है, और इसी गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर रैपिड मेट्रो है। जो रैपिड मेट्रो है वो यहाँ तक है सेक्टर 56 और 55 के, यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे स्टेशन आता है रैपिड मेट्रो का। ठीक है, रैपिड मेट्रो चलती है आपके 25 सेक्टर्स में से लेके डीएलएफ फेस 1, 2, फिर 4, 5 गोल्ड कोस्ट रोड, यहाँ 42, 47 ये सारे सेक्टर गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर लगते हैं, और यहाँ पे आके रैपिड मेट्रो एंड होती है। तो ये गोल्ड कोस्ट रोड का पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेज थ्री की, फेज थ्री की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। फेज थ्री की डेवलपमेंट का प्लान किया गया था, जो फेज थ्री बाद में आया था, जिसके अंदर आपके सेक्टर 58 से शुरू हुई थी डेवलपमेंट यहाँ की। ये सारे फेज थ्री के अंदर ये वाला एरिया, ये वाला इधर का न्यू गुरुग्राम, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे, टोटल 115 सेक्टर बनाए गए थे। फिर जिसके अंदर सेक्टर 114 और 115 है, और दोनों के दोनों कमर्शियल सेक्टर थे लास्ट के। ठीक है, तो उसके बाद जब फेज थ्री में एक्सटेंशन रोड को बनाया गया, एचपीआर रोड को बनाया गया इसकी डेवलपमेंट, फिर ये सीपीआर की डेवलपमेंट आई थी, फिर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के का प्लान बना था, और उसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लान बनाया गया था, जिसके ऊपर फिर ये जो सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे इसके ऊपर हुड्डा के द्वारा ये काटे गए थे। लेकिन फेज थ्री के अंदर है ना एक चीज कॉमन थी इन दो फेज से, कि इन सेक्टरों के अंदर है ना हुड्डा ने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। मतलब कि इन सेक्टरों के अंदर जैसे कि प्लॉट काटे उनको अलॉट नहीं किया गया। यहाँ पे जो जितनी भी डेवलपमेंट आप जो देखोगे सारी की सारी प्राइवेट बिल्डर की है, कहीं भी कोई भी हुड्डा का ना तो आपको प्लॉट मिलेगा। ठीक है,
ना हुड्डा की किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट है वो तो करनी ही है। अब हुड्डा नहीं रहा, HSVP हो गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो गया है, हुड्डा का नाम चेंज होके HSVP के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे की जो फेस हुड्डा का इन्वॉल्व फेज 1 में जहाँ पे प्लॉट काटे थे हुड्डा ने, अलॉट किए थे, ठीक है। उसके बाद ये इन सेक्टरों नहीं बेच दिए थे ओनर्स को, खुद खुद लोगों ने खुद बनाए थे अपने। जैसे मान लीजिए कि भाई आज किसी सेक्टर के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं, हुड्डा मतलब फुल फॉर्म क्या है हुड्डा की, सभी से पूछ रहा हूँ। हाँ, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पहले जब कोई सिटी डेवलपमेंट की जाती है ना, वहां की क्या इसके अंदर गोत नहीं है, इसके अंदर बेसिकली HUDA हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। क्योंकि जब उस टाइम ये जो सेक्टर यहाँ पे काटे गए थे ना, डेवलप किए गए थे या प्लान किए गए थे, उस टाइम लोगों को यहाँ बसाने के लिए इन्होंने प्लॉट को ना अनाउंस कर दिया गया था भी आप अप्लाई करो प्लॉट के लिए। तो लोगों ने इसके अंदर एप्लीकेशन डाले थे और वो फिर एप्लीकेशन जिसको मिलते थे उसको मतलब अपलोड कर दिया गया था एक ड्रॉ के सिस्टम के थ्रू। जैसे कि आज अफोर्डेबल वगैरह ड्रॉ होता है, हम एप्लीकेशन डालते हैं, सस्ते वैसे ही प्लॉट है ना अलॉट किए गए थे पहले। मिलते हाँ, पहले काफी सस्ते प्लॉट ये मिलते थे। तो ये जो है जो लॉट किए जाते थे पहले, लॉट्स ये फर्स्ट और सेकंड फेज में ही था। हाँ, ये फर्स्ट तो ये सेक्टर 57 तक ही था, सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 57 तक ही प्लॉट अलॉट किए गए थे, उसके बाद नहीं किए। और ये एंड यूज बेस पे वो किए गए थे, किसी बिल्डर्स या किसी और को नहीं किए गए थे, ये लोगों को मतलब पर्सनली आप जितने भी एप्लीकेशन डालते थे अलग अलग नाम से। 40 में जाते हैं वहां हाँ, पे टाउनशिप है उड्डा की टाउनशिप नहीं है, फ्लोर है, वो एंड यूज फ्लोर है सबके। हाँ, किसी ने अपने नाम से डाल दिया, एक भाई के नाम से डाल दिया, बेटे के नाम से डाल दिया, वो अदर के नाम से डाल दिया, तो ऐसे अप्लाई करते थे। नहीं, कोई भी डाल सकता था उस टाइम, वो फिर अलॉट किए जाते थे और रेट काफी सस्ते हुआ करते थे उस टाइम। जो थर्ड फेज आया था सेक्टर 58 से लेके 115 सेक्टर तक, इसके अंदर हुड्डा के अंदर हुड्डा ने कोई भी प्लॉट नहीं काटे थे। इसमें सारी की सारी प्राइवेट बिल्डर है, आप देखते हो एक्सटेंशन रोड पे M3M हो गया, ठीक है, अभी DLF आ गया है, IREO था आपका, पाइनर पार्क था, ठीक है, तो MR की टाउनशिप है, तो यहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट बिल्डर हैं। कोई भी कहीं भी प्लॉट की टाउनशिप मतलब हुड्डा के द्वारा नहीं है, प्राइवेट बिल्डर के थ्रू यहाँ पे आपको टाउनशिप मिलेगी। हाँ, 57 के बाद 58 से लेके सेक्टर 115 तक सारी की सारी प्राइवेट डेवलपमेंट है। जैसे सेक्टर 45 में है, वो हुड्डा ने वो बना हुड्डा ने रखे प्लॉट ने काट रखे हैं, लेकिन एक एक चीज और है इसके इनके अंदर, एक सेक्टर से लेके सेक्टर 57 तक, इन हर सेक्टरों के अंदर है ना आपको हुड्डा हाउसिंग बोर्ड जरूर देखने को मिलती। वो तो वो 3 फ्लोर ग्राउंड किसी का है, फर्स्ट सेकंड किसी का है, वो डुप्लेक्स होते थे, ग्राउंड अलग ओनर का है और फर्स्ट और सेकंड अलग ओनर का है। ये फेज 3 के अंदर 3 रोड का की डेवलपमेंट की गई थी, मार्किंग की गई थी, आपका एक्सटेंशन रोड, आपका SPR रोड, आपका फिर द्वारका एक्सप्रेसवे, ये फेज 3 के अंदर आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोड वाइज डेवलपमेंट की कि कैसे कैसे है। रोड की सबसे जो पहले हुई थी, एक तो NH8 नेशनल हाईवे, NH8 इसको सभी जानते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे जो धौला कुआं से शुरू होता है और जयपुर तक जाता है। उसके बाद अगर इंटरनल हम रोड की बात करें तो गोल्ड कोस्ट रोड की डेवलपमेंट की गई थी, जहाँ पे यहाँ पे साइबर सिटी, ठीक है, साइबर सिटी डेवलपमेंट की गई थी बाई DLF, ठीक है, DLF के द्वारा यहाँ पे साइबर सिटी बनाई गई। और DLF ने उस साइबर सिटी के अंदर कोई भी फ्लोर सेल आउट नहीं किया, पूरी की पूरी साइबर सिटी आज भी DLF के पास, अगर DLF सेल आउट करता है तो पूरी बिल्डिंग को सेल आउट करता है। आज अगर DLF इनकम बना रहा है तो सबसे ज्यादा मेजर जो पार्ट आ रहा है वो साइबर सिटी से आ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इनकी प्लेट होती है जिसको हम
फ्लोर प्लेट बोलते हैं कमर्शियल के अंदर, उस सब रेंट आउट है। यहाँ से फिर गोलकोस्ट रोड की शुरुआत हुई, क्योंकि गोलकोस्ट रोड एक प्रीमियम रोड है आज के टाइम गुड़गांव के अंदर, जिसकी लेंथ है 9.61 किलोमीटर की, और इसी गोलकोस्ट रोड के ऊपर भी रन करती है रैपिड मेट्रो, जिसके अंदर इस गोलकोस्ट रोड में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा आता है वो आता है बाई DLF के द्वारा, क्योंकि DLF के सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी गोलकोस्ट रोड के ऊपर पड़ती है। फेस वन से लेके फेस फाइव सारा का सारा गोलकोस्ट रोड के ऊपर आता है, और गोलकोस्ट रोड के ऊपर ही सबसे हाई प्रॉपर्टी है गुड़गांव की। अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ 30-35 करोड़ तक की है कमेली आज के अंदर, ठीक है। सेक्टर 42 के अंदर यहाँ पे आपका अरालियाज है, यहाँ मंगोलियाज है, यहाँ पे फिर कमेलियाज पड़ता है इस रोड के ऊपर जो कनेक्टेड है। गोलकोस्ट रोड पे कौन कौन से सेक्टर लगते हैं, यहाँ सिकंदरपुर से लेके सेक्टर 26A आपका 26, 27, 43, 42, 53, 54, 55 और 56 सेक्टर, यहाँ तक ये जो रेड रेड देख रहे हैं ये सारे अंडर पास थे, वैसे तो अभी सारा अंडर पास बन चुके हैं रेड। गोलकोस्ट रोड पे कोई भी रेड लाइट नहीं है, सारे के सारे अंडर पास है, ठीक है। और लास्ट मेट्रो रैपिड मेट्रो है सेक्टर 55-56 यहाँ तक, उसके बाद ये टी पॉइंट बनता है गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड का। गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड घाटा गाँव से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, ये है वाटिका चौक, जिसको हम बादशाहपुर रेड लाइट भी बोलते हैं, सोना रोड को हिट करता है ये, यहाँ पे ये सोना रोड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ है 6.7 किलोमीटर लेंथ है। इधर आ जाते हो तो फरीदाबाद चले जाते हो टू फरीदाबाद, और इसे बाईपास दिल्ली, ये जो ग्रीन है ना, इधर दिल्ली स्टेट है, इधर हरियाणा है, तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आता है, है ना, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, ये जो ग्रीन है ये बाउंड्री है बॉर्डर की, ठीक है। इधर से फिर यहाँ से गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड शुरू होता है जो अपना वाटिका चौक तक, और इसके ऊपर भी जहां जहां आप ये रेड पॉइंट जो देख रहे हैं ये सभी या तो अंडरपास है या फिर आपके आपके फ्लाईओवर है, क्योंकि अभी रिवैम्प के थ्रू ये यहाँ पे सभी फ्लाईओवर बनने हैं, क्योंकि बाय डेवलपमेंट का जो प्लान है वो दोबारा से रिवैम्प होके आ चुका है, तो इस पे काम जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटिका चौक के ऊपर अंडरपास का काम चल रहा है इस टाइम। 2-3 महीने में ये रनिंग हो जाएगा यहाँ पे। ये सोना रोड है, सोना रोड ऑलरेडी एलिवेटेड कॉरिडोर बन चुका है, उसके नीचे से एसपीआर रोड और एक्सटेंशन रोड को जोड़ने के लिए यहाँ पे अंडरपास बनाया जा रहा है। एक्सटेंशन रोड के ऊपर एक प्लान बनाया गया था भाई, कमर्शियल को एक जगह ना देके सेक्टर वाइज कमर्शियल दिया जाए, तो 62, 65, 66 के अंदर आपको 300 मीटर की कमर्शियल बेल्ट मिलेगी ये साथ के साथ। इसके दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे तो ये पुराना उसमें आता है फेस टू के अंदर, जहाँ पे आपका सारा का सारा डेवलपमेंट है वो पुराने तरीके का है। इस रोड के इस साइड की डेवलपमेंट देखोगे सारी न्यू डेवलपमेंट है, जहाँ पे हाई राइज है, लो राइज है, प्लॉट की टाउनशिप है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो निर्वाणा कंट्री है, सेक्टर 57 हुड्डा का ने प्लॉट काटे गए थे, ठीक है, 200 गज, 250 गज, 300 गज, 500, 1000 गज के, तो इसमें फ्लोर्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कुल मिला के सेक्टर 56 और 55 में 99 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, 99 सेक्टर 56 और 55 में टोटल 99 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आज है। उसके बाद हम बात करते हैं एसपीआर रोड की। एसपीआर रोड यहां से शुरू हो जाता है सोना रोड से, वाटिका चौक से लेके आपका नेशनल हाईवे NH8 तक, ये जो पैच आता है ये एसपीआर रोड का पैच आता है, जिसको हम साउथ रन फेरी रोड बोलते हैं, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम एसपीआर रोड बोलते हैं। एसपीआर रोड के ऊपर भी आप देखोगे साथ के साथ 300 मीटर की जो कमर्शियल बेल्ट है वो आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 71, 73 और 74 के अंदर। तो एसपीआर रोड पे कौन कौन से सेक्टर लगते हैं, 69 सेक्टर, 70 सेक्टर, 71, 72 और 48 का ये हिस्सा, उसके बाद 73 सेक्टर लगता है, 75 लगता है, 74, 74A, 75A। ये जो दो सेक्टर है 74A एंड 75A, ये DLF की लैंड है। यहाँ जैसे साइबर सिटी डेवलपमेंट की गई थी वहाँ पे लैंड मेजर थी DLF की, यहाँ भी इसको साइबर सिटी 2 का नाम दिया जा रहा है, जिसके अंदर लमसम 1000+ एकड़ की यहाँ पे लैंड है, और ये दोनों सेक्टर पूरे के पूरे आपके कमर्शियल सेक्टर हैं।
जहां पे ये अनुमान लगाया जाए कि डीएलएफ यहाँ पे साइबर सिटी 2 को डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर यहाँ ऑफिस यहाँ बन रहा है। यहाँ डीएलएफ ने अपने ऑफिस जो कॉर्पोरेट ग्रीन है उसको रेडी कर दिया है, और साथ में यहाँ बेस्टेक के और भी कई कमर्शियल हैं। यहाँ पे एमआर ने अभी एसईओ लॉन्च किए हैं, बाकी कमर्शियल भी यहाँ धीरे धीरे सेटअप होना है। तो इस एरिए का तो डीएलएफ बेच सकता है ना लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर कमर्शियल बेल्ट है 75A, 74A और साथ में ये 300 मीटर की कमर्शियल, जो ये ब्लू कलर है यहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं आएगा, आपको कमर्शियल कुछ भी देखने को मिल सकता है। कमर्शियल के अंदर आपको स्टूडियो देखने को मिल सकते हैं, एसईओ प्लॉट देखने को मिल सकते हैं, ऑफिस स्पेसिस आपको देखने को मिलते हैं। जो कमर्शियल एक्टिविटीज होगी वही आएगी, रेजिडेंशियल नहीं आएगी, ना रेजिडेंशियल प्लॉट आएंगे ना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आएंगे, रेजिडेंशियल के रिगार्डिंग में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कमर्शियल की जो एक्टिविटीज होगी वो आएगा। तो ये था एसपीआर रोड। एसपीआर रोड को भी रेड लाइट फ्री कर दिया जाएगा, और एक्सटेंशन रोड को भी, जो जैसे आपका आज गोलकोस रोड है, ये वाला जो हिस्सा है गोलकोस रोड, जैसे आप देखते हैं नो स्टॉप गाड़ी चलती है, वैसे ही आपकी एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड पे भी नो स्टॉप गाड़ी चलेगी। उसके बाद जो ये वाले जो हिस्से हैं ये थोड़ी दूसरी टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारी शाखाएं अरावली की शाखाएं हैं, और एक गुड़गांव के ऊपर ही ऊपर एक रोड और निकलना है जो गवर्नमेंट प्लान बना रही है। वो ये है कि जो ये बाहर वाला जो ये रोड है, ये गुड़गांव के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर होगा, इसके बाद कोई भी सेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा इस एरिया के इस साइड में, ठीक है। तो ये जो रोड है ये यहां से शुरू हो जाता है आपका, यहाँ पे गाटा गांव है, गाटा गांव के ऊपर से एक रोड ऐसे निकलेगा जो सीधा कनेक्ट होगा आपके सभी सेक्टरों के साथ, इन सेक्टरों के साथ। उसके बाद एक ये जो रोड है यहाँ पे पाइनर पार्क का प्रोजेक्ट है, यहाँ से ये रोड सीधा सोना को कनेक्ट है, प्रपोज्ड लिंक टू सोना। तो यहाँ से एक रोड और कनेक्ट होना है जो सीधा सोना को जाएगा। उसके बाद ये जो आगे है फिर सेक्टर 64, 67A गोलकोस एक्सटेंशन रोड ऐसे कनेक्ट होगा, फिर ये रोड यहाँ कनेक्ट हो जाएगा सोना रोड के अंदर, सोना रोड के बाद सीधा ऊपर ही ऊपर होता हुआ ये मानेसर निकल जाएगा। ये एक मेजर रोड निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे एसपीआर रोड पे इसका इंटरसेक्शन बनेगा सेक्टर 70A, 70 और 69 से, जो टूलिप वाला जो रोड, टूलिप चौक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे टूलिप चौक है, यहाँ से ये रोड सीधा आएगा और इसके अंदर कनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे भी एक रोड और ऊपर निकलना है, है? हाँ, तो ये जो रोड है ये सभी सेक्टरों को कनेक्ट करेगा, जो एक मेजर रोड होगा, बड़ा रोड होगा। उसके बाद जो ये एरिया है ये अभी सारा का सारा अंडर डेवलपमेंट एरिया है, यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा रेजिडेंशियल सेक्टर है, और यहाँ पे 79B में सिग्नेचर, स्मार्ट वर्ल्ड, M3M79 और M3M बेस्टेक वगैरह है, सुपर टेक है। तो इस एरिए के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है हाई राइज और लो राइज। ये सारा का सारा जितने भी ये सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे अभी अंडर डेवलपमेंट है, इनमें काफी टाइम लगेगा। जो ये वाले जो पैच देख रहे हैं ये सारे ग्रीन पैच है, ग्रीन बेल्ट इनको बोलते हैं। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल नहीं आएगी इस एरिए को छोड़ के, बेसिकली ये अरावली की शाखाएं का पार्ट है, ये इधर भी अरावली है सारी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पैच है ये आपको काफी देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर के अंदर, गवर्नमेंट इनको अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि जब ये जो सेक्टर्स डेवलपमेंट किए गए थे इनमें आपने देखा होगा हुड्डा ने पार्क छोड़े हुए थे हर सेक्टर के अंदर, तीन तीन चार चार पार्क, कोई बड़ा पार्क होता था, छोटे पार्क होते थे, तो उनको डेवलपमेंट किया जाता था। तो इस जो एरिया में जो फेज थ्री के अगर, तो फेज थ्री के अंदर आपको कहीं भी प्रॉपर तरीके से आपको गार्डन देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे तो आपको बड़े गवर्नमेंट के द्वारा या HSVP द्वारा आपको अलग से डेवलपमेंट किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट है सारी की सारी प्राइवेट बिल्डर्स की है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पैच छोड़े हुए हैं ये आगे आपको डेवलपमेंट मिलेंगे, अभी कोई ग्रीन पैच आपको आज के टाइम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट एरिया है ये सारा एरिया। डेवलपमेंट होने के बाद आपको गार्डन देखेंगे, क्योंकि यहाँ प्राइवेट जो बिल्डरों ने टाउनशिप रेडी किया है उन टाउनशिप के अंदर ही गार्डन मिलते हैं। जैसे हाई राइज की बात करें तो आपको गार्डन मिल जाता है, किसी में आपको गोल्फ मिल जाता है, ठीक है। लो राइज के अंदर भी आपको प्राइवेट आपको गार्डन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस इंटरसेक्शन की बात करें तो इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ फ्लाईओवर, जो रेडी हो गया है। और क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनाने का रीजन था
कि जो ये एसपीआर रोड है, इस एसपीआर रोड को एनएचएट के भी साथ जोड़ना है और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ना है। तो इस इनको कनेक्ट करने के लिए ये ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं किया गया, इसके लिए अलग से एक छोटा सा 3.5 किलोमीटर का सीपीआर है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रल पेरिफेरी रोड, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं। तो ये रोड इतना है 3.5 किलोमीटर का बनाया गया ताकि इसके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे, एनएचएट और एसपीआर रोड को कनेक्ट किया जाए। साथ में एक मेजर रोड और बनाया गया है जो मानेसर को कनेक्ट करे गुड़गांव के साथ। तो यहां से ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर निकाला जाएगा, 150 मीटर वाइड रोड, इसको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। ये न्यू गुड़गांव के इस एरिया को बोलते हैं हम न्यू गुड़गांव, और इस न्यू गुड़गांव को के बिल्कुल सेंटर से होते हुए जा रहा है ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। ठीक है, जैसे एनएचएट गुड़गांव के बीचों बीच जा रहा था जब पहली डेवलपमेंट शुरू हुई थी, वैसे ही न्यू गुड़गांव के अंदर ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर एनएचएट का काम कर रहा है आज के टाइम। तो ये सेंटर का पॉइंट रोड है, इसके ऊपर भी ये मेट्रो प्रपोज्ड रोड है। ठीक है, तो ये भी सभी सेक्टरों को कनेक्ट करता है, चाहे आप पटौदी रोड से जा रहे हैं या एनएचएट से जा रहे हैं। एनएचएट से बेसिकली दो ही कनेक्टिविटी है, एक तो वाटिका वाली कनेक्टिविटी है, दूसरा रामपुरा चौक वाली कनेक्टिविटी है जो डायरेक्ट हिट करते हैं आपको पटौदी रोड से। ये यहाँ पे पटौदी रोड है, सॉरी यहाँ से है हाँ ये पटौदी रोड है, तो ये पटौदी रोड है। तो पटौदी रोड से ये दो रोड कनेक्ट है, जो एनएचएट मल्टी यूटिलिटी और फिर यहाँ से ये वाला ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और फिर एनएचएट, तो ये कनेक्टिविटी आती है इस न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव की कमर्शियल की बात करें तो एनएचएट के साथ साथ 300 मीटर ये कमर्शियल बेल्ट है। इधर द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे हिट होता है, यहाँ पे टोल है, टोल अभी उठ जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 27 किलोमीटर की लेंथ पड़ती है, जो गुड़गांव के एनएचएट से लेके आपका पड़ जाता है द्वारका तक। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ कनेक्ट होता है खिड़कीडोला के पास, यहाँ पे टोल है। अभी या तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा या फिर यहाँ पे अंडरपास बनेगा, इसलिए ये फ्लाईओवर वगैरह नहीं शुरू हुए। ये दो फ्लाईओवर बन चुके हैं, ये वाला वाटिका वाला और ये आपका रामपुरा फ्लाईओवर, ये दो फ्लाईओवर अभी बन चुके हैं। इस रोड को हम बोलते हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जो बिल्कुल पैरेलल चलता है आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से होता हुआ नजफगढ़ वाले रोड के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, जहाँ सेक्टर 114 और 115 है, जो कंप्लीट आपके कमर्शियल सेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे द्वारका है, इस साइड द्वारका है, तो द्वारका से शुरू होता है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, जो 27 किलोमीटर लंबा है, एनएचएट में कनेक्ट होता है। जहाँ पे आप ये रेड रेड देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं कहीं आपके अंडरपास, आपके फ्लाई ओवर, कहीं भी कुछ भी आपके बन सकते हैं। वाटिका पटौदी रोड पे हो सकता है यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाई ओवर फ्यूचर के अंदर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है, ऐसा ही मार्क यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाई ओवर बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे न्यू गुड़गांव के अंदर सेक्टर आते हैं 83, 84, 82, 85, मतलब 81 से लेके सेक्टर 95B तक सारा न्यू गुड़गांव के अंदर एरिया आता है। ठीक है, और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, सेक्टर 76 से लेके 95B तक ये सारे मानेसर के अंदर आते हैं, गुड़गांव के अंदर नहीं आते, MCM के अंदर आते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर। जैसे MCG गुड़गांव का है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव, तो इस एरिया को डेवलपमेंट कौन करता है? MCG। और इस वाले एरिया को कौन डेवलपमेंट करता है? MCM, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हाँ, सेक्टर 76 से लेके सेक्टर 95B तक ये सारे के सारे मानेसर के अंदर आते हैं, जिनको MCM ही डेवलपमेंट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, अगर कोई भी कस्टमर आपका या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है इस एरिया के अंदर, तो कस्टमर को साफ साफ बताओ कि अगर आप इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्री है, BBA है, जो भी है, वो मानेसर के अंदर जाके रजिस्टर्ड होंगे, वहीं पे बनेंगे, वो गुड़गांव कोर्ट में नहीं बनेंगे, वो मानेसर में होंगे और मानेसर का ही नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि गुड़गांव काफी बड़ा हो गया है, ये पहली सिटी है जिसके अंदर दो नगर पालिकाएं हैं, बाकी में सब में एक एक है, रोहतक एक है, हिसार एक है, फरीदाबाद एक है, अरे MCG तो सभी सेक्टरों सिटी के अंदर है ना, जींद के अंदर भी नगर निगम है, हाँ म्यूनसिपल को, हाँ वो मैं जी गुड़गांव के हिसाब से, तो नगर पालिका दो ही है, नगर पालिका हर सिटी में एक एक ही है,
गुरुग्राम एक ऐसा है जिसके अंदर दो है, मानेसर और गुड़गांव, ठीक है। तो जो द्वारका एक्सप्रेस से जहां हिट होता है वहां से गुड़गांव के सेक्टर शुरू होते हैं 83 से लेके आपका 115 सेक्टर तक। तो जो द्वारका वाला जो एरिया आता है वहां आपके जो है 111, 110, 112 और 113 ये इस बॉर्डर के नजदीक पड़ते हैं, दिल्ली बॉर्डर के। और द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल यहीं से शुरू होता है, 110, 105, 104, 103 ये सारे के सारे जो 100 की लाइन है 99 से लेके आपकी 113 तक, ये सारी बेल्ट है ना इसके ऊपर पड़ती है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, याद रहेगा 99 सेक्टर से लेके 113 सेक्टर एक दूसरे के सामने है एक्सप्रेसवे पे। जैसे 99 है 100 है, 100 है तो 101 है, 101 है 102 है, 102 ए है तो फिर 103 है, 104 है, 104 के बगल में 105 है, 106 है, 106 के बगल में नहीं है 107, वो बिल्कुल बैक पीछे है, 107 और 108 है वो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे पड़ते हैं। हाँ, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे पड़ते हैं। नजफगढ़ वो है ड्रेन है जो गंदा नाला है जो 107 जैसे सेक्टर आता है इससे दूर होता हुआ चला जाता है फिर नाला, जो ये दो ही सेक्टरों तीन सेक्टरों को हिट करता है नाला, सेक्टर 115 और सेक्टर 107 और 108 ये ही सेक्टर आते हैं, उसके बीच में कोई सेक्टर नहीं काटा गया था क्योंकि बेसिकली द्वारका एक्सप्रेस वे का जो ये एरिया आता है ना ये मोस्टली आपका डेड लैंड एरिया आता है। जो आपको ये एरिया जो देख रही है ना यहाँ पानी भरता है, पानी आज भी भरा हुआ है, ये वो एरिया है जो मैं बता रहा था, ये पूरा पानी का भरा हुआ है आज के टाइम, ये दो सेक्टर पूरे के पूरे फुलम फुल पानी के भरे हुए हैं, यहाँ मच्छी पालन होता है आज के टाइम। ये है वो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जिसकी आप बात करते हो, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल इमेज है सैटेलाइट के थ्रू जो ऐसे दिखेगा ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। उसके बाद ये CPR रोड है 3.5 किलोमीटर का ये वाला यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन है ये बताओगे, ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये CPR है और ये है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। अगर न्यू गुड़गांव जाना है तो इस चक्कर से कैसे जाएंगे? देखो सबसे पहले क्या है कि रोड के है ना ट्रायंगल को समझना शुरू करो कि जो फ्लाईओवर है ना वो किसके लिए कैसे बनाए जाते हैं। हमेशा एक रोड से दूसरी रोड को कनेक्ट करने के लिए ही फ्लाईओवर का काम किया जाता है। अगर आप CPR से आ रहे हो ना, सुनो अगर आप CPR से आ रहे हो ना, CPR से बेसिकली ऐसे आओगे, आप आओगे ना ऐसे आते आते यहाँ पे नीचे ये गोल चक्कर नीचे है तो इस गोल चक्कर से ऐसे जाते हुए ऐसे टर्न ले जाओगे। सुनो एक तो ये ऑप्शन है, तूने ये इसके ऊपर बोला था रास्ता है, वो रास्ता कैसे है जो इधर से आएगा ना यहाँ पे बन रहा है अंडरपास, नीचे से देखा किसी ने अंडरपास नीचे का है ना, वो नीचे निकल, ये वो नीचे को घुसते हैं यहाँ पे, ये निकलने का रास्ता है, ये निकल गए और इसके निकलने से ये इंटरसेक्शन इस पे कनेक्ट हो जाते हैं आपके लिए, है ना, यहाँ से भी जाने के रास्ते हैं और अगर आप यहाँ से आते हैं ना यहाँ से बेसमेंट में घुस जाओ, यहाँ से ऐसे अंडरपास से घुस के सीधे इस साइड निकल जाओगे, ठीक है। अब जो सुनो अब जो ये वाला जो टर्न ओवर है वो कैसे है, कोई अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से फ्लाईओवर पे आ रहा है ऊपर से आता है तो और उसको जाना है न्यू गुड़गांव तो वो क्या करेगा, वो इस फ्लाईओवर इसको पकड़ेगा ऐसे चक्कर लेगा और ऐसे घूमता हुआ यहां उतर जाएगा, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ठीक है। और ये वाला जो फ्लाईओवर है अगर किसी ने NH8 पे आना है तो वो NH8 पे ये वाला फ्लाईओवर पकड़ेगा और इस CPR पे उतर जाएगा। ये है क्रीसुमी, बिल्कुल यहां से एंट्री है, ये सारी क्रीसुमी की लैंड है 65 एकड़, बिल्कुल रोड के साथ साथ CPR। और ये 36B है जहां पे आनी है, ये ग्लोबल सिटी, अभी ये ग्रीन एक्चुअल में ऐसा ही है, ये पूरा ग्रीन है, जंगल एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जंगल एरिया है और यहाँ पे वो है जानवर है नील गाय घूमती है आज भी, नील गाय, हाँ ये क्या रोज, मैं ये दिखा रहा था, ये वो है सेक्टर 101 ये है ना और सेक्टर 100, ये दोनों के दोनों आप देख रहे हो पूरा का पूरा जल भरा हुआ। तो जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है
ये पूरा का पूरा आपका है ना, अभी थोड़ा नमी है इस एरिया में, काफी ज्यादा नमी है, जल स्तर वो ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे पानी की जो है ना खार है पानी का, वो सीपेज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है इस एरिया में। ज्यादातर टाउनशिपों के अंदर आपको सीपेज देखने को मिलेंगी, भाई आप सोसाइटी का प्लस्तर पड़ रहा है या कुछ और गिर रहा, भी पीछे आपने देखा होगा चिंतल स्प्रेडाइज के वो गिरे थे, फ्लोर गिरे थे, है ना। तो यहाँ पे ये सारा का सारा नमी का एरिया आ रहा है। देखो टाउनशिप बहुत कम देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है, 99 सेक्टर, 102 सेक्टर, 100 सेक्टर, 101 सेक्टर्स, ठीक है, ये धनवापुर गांव आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे की सारी आपके जो रेजिडेंशियल है मोस्टली गुड़गांव के अंदर हो गया। यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है पानी का, ये वाला अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको क्लियर दिखेगा आपको, ये वाला यहाँ पे गंदा पानी को फिल्टर किया जाता है और फिर वापस से सप्लाई किया जाता है शहर के अंदर। ये ट्रीटमेंट प्लान है, हुडा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान। जो सप्लाई वाला पानी आता है वही से आता है, कुछ कह नहीं सकते, नहीं नहर का भी आता है भाई, ट्रीटमेंट होके जाता है। और इसके बगल में ये वाली जो लाइन है ना, ये है रेलवे लाइन, ये साथ के साथ रेलवे लाइन है इसकी। यहाँ पे वो कंपनी तो नहीं है वाटर सप्लाई, ये रेलवे लाइन है, ये वाली रेलवे लाइन है गुड़गांव रेवाड़ी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो ये 300 मीटर की जो बेल्ट है, 106, 109, 112, 113 और 114, 115 पूरे कमर्शियल है, इनमें रेजिडेंशियल नहीं है, बाकी रेजिडेंशियल स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर इधर की हम बात करें कमर्शियल की, न्यू गुरुग्राम के अगर हम बात करें जिसको हम ये मानेसर वाला एरिया बोलते हैं, तो यहाँ पे 88 पूरा कमर्शियल है, 84 के साथ 300 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है, 83 की कमर्शियल बेल्ट है, और साथ में 88A, 88B में दोनों साइड कमर्शियल बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट भी दोनों के साथ में है। ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं सारा का सारा औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो न्यू गुड़गांव के साथ में लगता हुआ जो एरिया है, जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कनेक्ट होगा, वो होगा मानेसर के साथ। ये जितने भी आप जो सेक्टर्स देख रहे हैं सारे के सारे आईएमटी मानेसर के हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े औद्योगिक कंपनियां यहाँ पे आज के टाइम काम कर रही हैं, लाइक के मारुति प्लांट और भी बहुत सारे यहाँ पे कंपनियां हैं जो काम करती हैं। अगर मैं बात करूँ पटौदी रोड की, तो पटौदी रोड यहाँ सेक्टर 9-10 से शुरू होता है और आपका सॉरी इधर से है ना 37 से, तो पटौदी रोड की बात करें तो ये आपका बस स्टैंड से शुरू हो जाता है ऐसे, सेक्टर 10, 37C, ये सारा का सारा आपका पटौदी रोड ये लाइन है जो सीधी पटौदी को कनेक्ट होती है, ठीक है। तो कुल मिला के गुरुग्राम के अंदर कितने सेक्टर हैं, ठीक है, और गुड़गांव का सेंटर पॉइंट राजीव चौक है, यहां से जो सोना को कनेक्ट होता है, सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, इसकी लेंथ कितनी है, सोना रोड की ना, तो राजीव चौक से लेके सोना तक इसकी लेंथ है 22 किलोमीटर। और सोना का जो एलिवेटेड रोड है मोस्टली फ्लाईओवर, वो सुभाष चौक के 300 मीटर आगे से शुरू होता है फ्लाईओवर, जो बादशाहपुर तक 5.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, गुरुग्राम के रोड का सबसे लंबा फ्लाईओवर सोना रोड के ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी आपके न्यू गुरुग्राम मास्टर प्लान की। तो और बारीकी से हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एरिया को पकड़ेंगे, उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टीज वैल्यू क्या है, क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज से हमने यहाँ पे जो सेशंस है वो लर्निंग सेशन स्टार्ट कर दिया है, आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, चाहे वो आप एक प्रॉपर्टी ट्राई कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से बिजनेस या एक जॉब ट्राई अगर कर रहे हैं भाई, आप बिजनेस लाइन में आना चाहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।